फ्रेंड्स, हमारे रब ने हमें एक ज़िंदगी अता की है और हम जो चाहें अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया है? अल्लाह सुभान व तआला ने हमें आखिर क्यों पैदा किया है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर हमारे रब ने हमें क्यों पैदा किया और हमें क्यों ये ज़िंदगी दी। क्या हमें इस दुनिया में सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि हम पार्टीज करें, मूवीज़ देखें, टहलें, घूमें फिरें, बस इन सब कामों के लिए, या फिर हमारी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। लेकिन उससे पहले, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीर अली और आप लोग देख रहे हो इस्लामिक फैक्ट ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, कभी ना कभी आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया है और हमारे रब ने हमें किस लिए पैदा किया है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इस सवाल का जवाब जानना है तो हमें अपना रुख कुरान करीम की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो किताब है जिसके हक होने पर, सच होने पर ज़रा भी शक नहीं और इसमें गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं। तो फ्रेंड्स, जब हम कुरान करीम को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे रब ने हमें आखिर किस लिए पैदा किया है। फ्रेंड्स, अल्लाह सुभान व तआला कुरान करीम की सूरह 51 सूरह दारियात की आयत नंबर 56 में इरशाद फरमाते हैं कि वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, जिसका ट्रांसलेशन यह है कि हमने इंसानों और जिनों को खालिस अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अल्लाह सुभान व तआला ने हमें क्यों पैदा किया है। तो फ्रेंड्स, अब अगर कोई ये कहे अगर हम सारा दिन इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो हम अपना काम कब करेंगे? और अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे और बिना पैसों के हम अपने घर वालों की ज़रूरतों को कैसे पूरी करेंगे? तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी बात है तो आप मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से सुने। तो फ्रेंड्स, शायद ही आपको ये बात पता हो कि इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, कुरान करीम की तिलावत करें, बल्कि फ्रेंड्स, अपने घर वालों के लिए हलाल रिस्क कमाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करना, काम करना, वो भी एक तरह की इबादत ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जब कोई शख्स अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए, अच्छी तालीम देने के लिए मेहनत करता है, हलाल रिस्क कमाता है, तो फ्रेंड्स, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में इबादत ही कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी इबादत ही है, आप समझें इस बात को। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल काम करें और पैसे भी कमाएँ, हाँ, पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप काम अच्छा करें, हराम काम ना करें, जैसे कि सूद वाली बैंकों में जॉब ना करें। फ्रेंड्स, इस तरह के कामों से आपका दूर रहना ही बेहतर है, ये हराम काम है और इन्हें आप करेंगे तो फिर आपको सिर्फ गुनाह ही मिलना है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे हो सके तो और ज़्यादा मेहनत करें, और ज़्यादा पैसे कमाएं और उन पैसों से अपने माशरे के गरीब, मिस्कीन, मजबूर लोगों की मदद करें। और फ्रेंड्स, आप मस्जिदों की तामीर में, मदरसों की तामीर में मदद कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल इसकी इजाज़त है फ्रेंड्स, और ये इबादत का ही काम है। तो फ्रेंड्स, समझे इस बात को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये जो ज़िंदगी अता की है, ये सिर्फ इसलिए अता नहीं की ताकि हम घूमें फिरें, ऐश करें, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए अता की है ताकि हम दुनिया में जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, बेसहारा हैं, यतीम हैं, हम उनकी मदद करें, उनकी तकलीफ़ों को दूर करें जितना हमसे हो सके। तो फ्रेंड्स, हमें बस यही चाहिए कि हम कमज़ोरों की ताकत बने, गरीबों की मदद करें, यतीमों के सर पर हाथ रखें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसीलिए दुनिया में भेजा है। और फ्रेंड्स, जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम क्या साथ लेकर जाएंगे? कुछ नहीं, बस हमारे आमाल ही साथ होंगे जो हम इस दुनिया में करके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक ही ज़िंदगी मिली है, हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा रब हमसे पूछेगा ज़रूर कि क्या लेकर आए हो दुनिया से। और अगर हमने मदद नहीं की किसी की तो रब ये भी पूछेगा कि तुमने देखा था कि मेरा एक बंदा तकलीफ में है पर तुमने फिर भी मदद नहीं की उनकी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब जब भी किसी गरीब, किसी बेसहारा, किसी मजबूर इंसान को देखेंगे तो इसकी मदद ज़रूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। अब मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।